Hello everyone, October is Breast Cancer Awareness Month and 8th October is celebrated as Breast Cancer Awareness Day. फर्स्ट डेज में यही पता जाएगा, अगर उनकी रोज में आ जाएगा तो कंट्रोल हो जाता है। किसी किसी की गलती होती है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसके आज बहुत अच्छा ये सब तो ये कहूँगा, हमें खुद क्षेत्रा के अंदर एक अपने प्राइवेट डॉक्टर सर्जन डॉक्टर हमें मिले हुए हैं। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, हमारे से हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी। मैं अपील करना चाहता हूँ, धन्यवाद सोशल मीडिया का धन्यवाद। सुबह सुबह 7:30 बजे यहाँ पर आए। उदयपुर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना है? क्षेत्र की जनता से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये महिलाएं आगे आकर इस कैंप को चलवाएं और इसके अंदर लोगों को अवेयरनेस लाएं। हाँ जी, और जब स्टेज का स्टार्टिंग में पता लग जाएगा, फर्स्ट वगैरह सेकंड चला जाएगा, उससे लाइफ सेव हो सकती है। इससे बड़ा एक नहीं, अगर कोई लेडीज मैं कहूँगा 10 महिलाओं को चेक कराएगी, उसमें से अगर 10 या 15 में से अगर एक का भी बड़ा कर देंगे तो बहुत पुण्य का आपकी विचार होगी। तो मैं दर्शक होगा, इसमें पूरा सहयोग देना चाहिए। हमारे यहाँ आगे हो इस काम को चलना है। खास तौर पर मैं थैंक्स करूँगा जो मैंने शॉर्ट टाइम पर मैंने प्रोवाइड किया, बहुत अच्छा काम किया। कैंसर के बारे में अच्छी तरह साफ करता है। और मैं खास तौर पर कहूँगा ये सबसे हमारी इंदिरा गांधी बेटी है और सुंदा मेरी बेटी, दोनों ने इस प्रकार से प्रधानमंत्री चंदा के मार्गदर्शन में मोल टॉपर के प्रकार से मैं कहूँगा इस बीमारी से इस प्रकार से स्पष्ट करके आपके सामने खड़ी है, क्योंकि मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एक पोहड़िया जो मैं कहूँगी विल पावर जो स्ट्रॉन्ग थी बच्चों की, वो देखने वाले अपने आम लगे। तो आज मेरे मन में एक, मैंने अभी पिछले दिनों एक हॉस्पिटल के अंदर एक मीटिंग ली थी, यहाँ पर हमने शोध बीमारी के बारे में जानकारी है, जैसे कोविड कोरोना के बारे में जानकारी है, तो हम लोग मास्क पहनते हैं, दूरी मेंटेन करते हैं, उससे बचाव कर लेते हैं और मृत्यु नहीं होती। हमें ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानकारी ही नहीं है। यदि आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपकी मृत्यु भी ब्रेस्ट कैंसर से नहीं होगी। आपके खुद के शहर में ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से बचे हैं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने जागरूकता का फायदा उठाया और सही समय रहते इसका इलाज लिया। आप लोग से भी यही निवेदन है कि प्लीज इस सुविधा का जो हमारे MLA साहब ने शुरुआत करी है उसका फायदा उठाएं। ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है और इस फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में आप सब लोग अपने आप को स्क्रीन करा सकते हैं और इस दहशत बीमारी से इलाज पा सकते हैं जल्दी से।